नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी करंट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में और उनके सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में। तो सभी आईपीओ को हम इसमें कवर करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले हुंडई मोटर आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ को खरीदने के लिए कोई आगे ही नहीं आ रहा। आज इस आईपीओ को अप्लाई करने का लास्ट दिन है और अभी तक ये आईपीओ एक गुना भी नहीं भरा है और इसमें जो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 0.19 गुना का हुआ है। तो कोई भी इस आईपीओ खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, जिसके चलते ही इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 1% से भी घट चुका है। वो 14 रुपये का इसका जो फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि टोटल 0.71% के आसपास है। तो इस आईपीओ को आप टोटली ही अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप अप्लाई भी करते हैं तो आपको अलॉटमेंट ज़रूर मिलेगा और ये हो सकता है कि यह आईपीओ आपको पेटीएम की तरह ही डिस्काउंट पर लिस्ट होते हुए नज़र आए। वहीं अगर हम इसके बाद लक्ष्य पावर टेक आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ को अप्लाई करने का आज दूसरा दिन है और अभी तक यह आईपीओ लगभग 62 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसने भी काफ़ी धूम मचा रखी है और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 95.5% के आसपास चल रहा है। तो ऑलमोस्ट यह आपके पैसे को डबल कर देगा। वहीं अगर हम इसके बाद फ्रेश एग्रो आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा आज से खुल चुका है और इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 65% के आसपास चल रहा है। इसके बाद अगर हम वारी एनर्जी आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 21 अक्टूबर से खुलने जा रहा है। आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम खुलते ही सीधा डबल हो चुका है। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 102% के आसपास अभी चल रहा है। और अगर हम इसके बाद दीपक बिल्डर्स आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ भी हमारा 21 अक्टूबर से खुलेगा और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 11% के आसपास चल रहा है। और अगर हम प्रीमियम प्लास्ट आईपीओ की बात करें तो यह है एक एसएमई आईपीओ है और यह हमारा 21 अक्टूबर से खुलेगा और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी 10% के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों, ये थे मेनली करंट आईपीओ जिनका अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी एक्टिव है। उसके अलावा दो और आईपीओ हैं जिनमें हमारा दैनिश पावर जो 22 अक्टूबर को खुलेगा और ओसा फाइनेंशियल सर्विस ये 24 अक्टूबर को खुलने जा रहा है। इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 0 पे ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ बने रही